नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। आज हम लोग सात फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिट्रेशन, एसोनेंस, इनुएंडो, प्रोलैप्सिस, एनाक्रोनिज्म, कायास्मस और मैलप्रोपिज्म। ये सारे ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जिनसे एग्जाम में कभी न कभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इन सारे फिगर ऑफ स्पीच के लाइन्स याद करा दूं, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में इनसे जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। शुरू करते हैं। शुरू करेंगे एलिट्रेशन से। बहुत आसान है इसको आइडेंटिफाई करना। देखो, एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कॉन्सोनेंट, लेटर या साउंड किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। पीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगर एलिट्रेशन है तो उसमें ध्यान रखना कॉन्सोनेंट, लेटर या साउंड रिपीट होगा, और एजोनेंस होगा तो उसमें वॉवल साउंड या लेटर बार बार रिपीट होगा। देखो, पोएट एलिट्रेशन का यूज क्यों करता है, ताकि वो रिदम को क्रिएट कर सके, या फिर कुछ शब्दों पर विशेष एम्फेसाइज कर सके, या फिर किसी पीस ऑफ राइटिंग में म्यूजिकल क्वालिटी को ऐड करने के लिए एलिट्रेशन का यूज किया जाता है। एलिट्रेशन की डेफिनेशन टीजीटी 2011 में भी पूछी गई है। पूछा गया, ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड किसी लैंग्वेज में क्रमवार तरीके से रिपीट होता है? तो ऑफ कोर्स ये एलिट्रेशन होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एलिट्रेशन के एग्जांपल्स को। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, इसमें कॉन्सोनेंट, लेटर या साउंड बार बार रिपीट होगा। जैसे बेटी बट द बटर वॉज बीटन, बी यहाँ पे देखो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक कॉन्सोनेंट, लेटर या साउंड है। नेक्स्ट लाइन है फुल फैंटम फाइट दाई फादर लाइज, यहाँ पे अगेन देखो एफ लेटर या साउंड बार बार रिपीट हुआ है, एलिटरेशन होगा। और इस लाइन को द टेम्पेस्ट से लिया गया है, इसको बोलता है एरियल फर्डिनेंट से। एरियल फर्डिनेंट को बताता है कि तुम्हारा जो पिता है वो समुद्र के नीचे, फाइव फैंथम, वन फैंथम इक्वल टू 6 फीट, यानी तुम्हारे पिता जो है समुद्र के नीचे 30 फीट जाकर पड़े हैं। आफ्टर लाइफ्स फिटफुल फीवर ही स्लीप्स वेल, ये लाइन मैकबेथ बोलता है किंग डंकन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो एफ साउंड या लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एलिट्रेशन होगा। मैकबेथ, द टेम्पेस्ट, इन सब की इंपॉर्टेंट लाइंस, कैरेक्टर्स, फैक्ट्स को मैंने बहुत अच्छे से याद कराया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ हाई इज हाइनेस होल्स हिज हॉटी हेट। इस लाइन में हर एक वर्ड एच लेटर या साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, कोई डाउट नहीं है, एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट आरपीएससी टीजीटी 2018 में पूछा गया है नॉरकास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, यहाँ पे देखो एल साउंड रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन अलोन ऑन अ वाइट वाइट सी, पीजीटी 2004 में पूछा गया है, और यहाँ पे देखो एल साउंड पर स्ट्रेस किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड, यहाँ पे देखो एल लेटर या साउंड का रिपीटेशन हुआ है, एलिट्रेशन होगा। लंबरिंग का मतलब होता है हॉवर करना, बढ़ाना, उसके सर पर सीखने का बोझ बढ़ रहा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 माइल्स मिनेंडरिंग ऑन मेजी मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ, आरपीएससी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो एम लेटर या साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है, एलिट्रेशन ही होगा। और ये लाइन ध्यान रखना कुबला खान से लिया गया है, स्टीक ऑडरिज की एक बहुत ही फेमस पोएम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिस्टी माउंटेन्स मेक मजेस्टिक मॉर्निंग व्यूज, अगेन यहाँ पे देखो एम लेटर या साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, यहाँ पे देखो पी लेटर या साउंड हर एक वर्ड में रिपीट हुआ है, एलिट्रेशन होगा। रास्कल्स एंड रॉक्स रैन रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक, यहाँ पे देखो आर लेटर या साउंड रिपीट हुआ है। टीजीटी 2000 में पूछा भी गया है अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म्स ऑफ फेट, यहाँ पे देखो एस साउंड रिपीट हुआ है। इन अ समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वॉज द सन, आप देख सकते हो आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, यहाँ पे भी एस लेटर या साउंड रिपीट हुआ है। सैली सेल सी सेल बाय द सी सोर, यहाँ पे फिर से देखो एस साउंड रिपीट हुआ है, ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होगा। तो
तो एलिटरेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, उसी तरीके से एजोनेंस को भी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। एजोनेंस एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है, और ये डेफिनेशन पीजीटी 2000 में पूछा भी गया है, और एजोनेंस की डेफिनेशन पीजीटी 2004 में भी पूछी गई है। पूछा गया ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड का नहीं लेकिन वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है, तो ऑफकोर्स ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा एजोनेंस। और एजोनेंस का यूज पोएट क्यों करता है? एजोनेंस का यूज पोएट एलिट्रेशन की तरह ही करता है ताकि वो पोएट्री में राइमिंग को मेंटेन कर सके या फिर उसमें म्यूजिकल क्वालिटी को ऐड कर सके। अब हम लोग एजोनेंस के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना इसमें वॉवल साउंड रिपीट होगा। पहला एग्जांपल है द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन। यहाँ पे देखो ए साउंड का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एजोनेंस होगा। बेक द केक एंड ईट क्विकली, यहाँ पे भी देखो ए साउंड का रिपीटेशन हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, यहाँ पे देखो ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एजोनेंस होगा। बेथ दाई ब्रीदिंग ट्रेसेस मेकेस्ट यू, यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए ई साउंड का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? इसमें भी एजोनेंस हो जाएगा। आगे देखिए डियर कम नियर एंड फियर नॉट, यहाँ पे भी देखो डियर में ई साउंड आ रहा है और नियर फियर इसमें भी देखो ई साउंड आ रहा है, इसका रिपीटेशन हुआ है, तो इसमें भी एजोनेंस होगा। फ्लिट फिट स्वीप बाय स्लीपिंग गीस, यहाँ पे देखो डबल ई साउंड का रिपीटेशन हुआ है। आगे देखिए गो स्लो ओवर द रोड, यहाँ पे देखो ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, यानी ये क्या है? वॉवल साउंड है, इसलिए इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एजोनेंस हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन यूएंडो। इन यूएंडो में देखो पोएट क्या करता है, मान लो उसे किसी पर्सन या थिंग के बारे में बताना, रखना किसी पर्सन या थिंग को सीधे सीधे मेंशन नहीं करेगा लेकिन उसको इनडायरेक्ट रिमार्क या हिंट के द्वारा एड्रेस करता है, ठीक है। इन यूएंडो लगभग यूफेमिज्म की तरह होता है, जिसमें यूफेमिज्म में क्या होता था, किसी डिसएग्रीएबल थिंग को एग्रीएबल नेम दे दिया जाता था, ठीक वैसे ही इनयूएंडो में भी किसी व्यक्ति या किसी चीज को सीधे सीधे पोएट ना बोल करके उसको इनडायरेक्ट रिमार्क या हिंट के द्वारा हम रीडर को बताता है, ठीक है। और इनयूएंडो का यूज मोस्टली ध्यान रखना डेरोगेटरी या क्रिटिकल सेंस में यूज करता है, यानी किसी को अपमानित करने के लिए या किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए पोएट इनयूएंडो का यूज करता है। इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही डिड नॉट कंसल्ट फिजिशियन फॉर ही होप टू डाई विदाउट देम, यहाँ पे इस लाइन में बोला गया है कि वो जो है डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि वो जो है बिना डॉक्टर के मरना चाहता है। आप इस लाइन में समझ रहे हैं किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? इसमें फिजिशियंस को एक तरह से कंडेम या क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये पेशेंट की जान ले लेते हैं। आदमी ये कह रहा है कि वो जो है अगर फिजिशियन के पास जाएगा तो वो भी उसकी जान ले लेगा, लेकिन वो फिजिशियन के हाथों नहीं मरना चाहता है, वो बिना फिजिशियन के मरना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिशियन को क्रिटिसाइज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट्स, यहाँ पे देखो अगेन इन यूएंडो का यूज हुआ है। पोएट बट लगा करके ये बताना चाहता है कि जो रिच होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? डिसऑनेस्ट होते हैं। नेक्स्ट लाइन है देयर आर टू टाइम्स इन मैन्स लाइफ व्हेन ही शुड नॉट स्पेकुलेट, व्हेन ही कैन नॉट एफर्ट इट एंड व्हेन ही कैन, इस लाइन में भी इन यूएंडो का यूज हुआ है। पोएट यहाँ पे ये कह रहा है कि मनुष्य का ये नेचर होता है वो हमेशा स्पेकुलेट करता है, यानी वो हमेशा अनुमान लगाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव फाउंड अ वे टू गेट सम एक्स्ट्रा हेल्प ऑन द टेस्ट, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा हेल्प में इन यूएंडो का यूज हुआ है। एक्स्ट्रा हेल्प कहने का मतलब है चीटिंग करने से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने चीटिंग का नाम भी नहीं लिया और चीटिंग की बात उसने कर भी दिया, तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा हेल्प में क्या है? इनयूएंडो है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही हैज ग्रीन थंब, ग्रीन थंब का मतलब होता है एक्सपर्ट गार्डनर, लेकिन इस लाइन में पोएट ग्रीन थंब उस गार्डनर की तरफ एल्यूड किया है
जो एक्सपर्ट तो है लेकिन उसमें कमी भी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। ये लाइन यूपी पीसीटी 2016 में पूछा गया है, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसके साथ जो ऑप्शन दिया गया था वो दिया गया था लाइट टीज, उसके बाद पन, उसके बाद जो है पैथेटिक फॉलसी। क्या इसमें लाइटिटिस होगा? लाइटिटिस में तो पोएट नेगेटिव वर्ड का यूज करके कोई अफर्मेटिव बात करता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पन का मतलब प्ले ऑन वर्ड होता है, ये भी नहीं होगा। पैथेटिक फालसी भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, नेचर का कोई एलिमेंट इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि ह्यूमन बिहेव करते हैं, तो इस तरह से पैथेटिक फालसी भी नहीं होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में सबसे सूटेबल आंसर होगा इन इवेंटो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोलैप्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसमें होता क्या है, इसमें कोई एक स्पीकर होगा, मान लो वो किसी व्यक्ति की कुछ कमी को देखता है, ठीक है, और वो चार लोगों से बोलेगा, और बोलने के बाद वो इन चारों से ये भी कहेगा कि देखो इस व्यक्ति की कमी को छिपा के रखना है। ध्यान रखना प्रोलैप्सिस में क्या होता है, इसमें स्पीकर आपको मैक्सिमम डिटेल बता भी देता है, और फिर ये बहाना भी करता है कि इसकी कमी को हमें छिपा के रखना है। प्रोलैप्सिस एक ऐसी रेटोरिकल डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कोई आइडिया, आर्ग्यूमेंट या फिर ऑब्जेक्शन घटना घटित होने के पहले ही मेंशन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, हैमलेट लाइंग वुंडेड सेज टू हिज फ्रेंड होरेस यू आई एम डेड। ये लाइन ध्यान रखना पूछा गया है, किसका एग्जाम्पल है, तो ऑफ कोर्स ये प्रोलैप्सिस का एग्जाम्पल है, यूजीसी ने 2011 में पूछा गया है। हैमलेट देखो अभी मरा नहीं है, लेकिन मरने के पहले ही होरेसियो से कहता है कि आई एम डेड। तो कोई भी घटना घटित होने के पहले ही जब मेंशन हो जाती है तो वही क्या होती है, प्रोलैप्सिस होती है। तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। वैसे मैंने हैमलेट के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लाइंस और कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा, मैंने ट्रिक से सारी लाइंस याद कराए हैं। नेक्स्ट है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म ध्यान रखना ग्रीक वर्ड एनाक्रोनिज्म से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट टाइम। दूसरे शब्दों में कहें एनाक्रोनिज्म में क्या होगा, क्रोनोलॉजी या टाइमलाइन में एरर। जी का मतलब होता है घटनाओं का जो घटित होने का क्रम है उसी में ही एरर होगा। आप सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए कि कोई ऐसी चीज है जिसका अभी इन्वेंशन हुआ नहीं है, यानी वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो भी पोएट अपने वर्क में उसको मेंशन करता है। और ये चीज कुछ भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई आइडिया, कोई कस्टम या कोई लैंग्वेज जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो भी पोएट उसको मेंशन करता है। एग्जाम्पल से आप समझिए, क्लियर हो जाएगा। जूलियस सीजर में ब्रूटस कैसियस को बोलता है पीस, यानी क्वाइट चुप रहने के लिए बोलता है, और फिर उसे टाइम पूछता है, और कैसियस उसको बताता है कि अभी सुबह के 3 बजे हैं। एमपी पीजीटी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, और ये किसका एग्जाम्पल है, ऑफ कोर्स ये एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल है। देखो हमें अच्छे से पता है जूलियस सीजर ये 1599 में आती है, ठीक है, और घड़ी की जो आविष्कार हुआ था वो 1656 में, ठीक है। तो अभी घड़ी का आविष्कार हुआ भी नहीं था, उसके पहले ही विलियम शेक्सपियर ने इसको मेंशन किया है, तो ऑफ कोर्स ये एनाक्रोनिज्म है। ऐसे ही प्रिंस हैमलेट अटेंडेड विटनबर्ग यूनिवर्सिटी। अब देखो हमें अच्छे से पता है जो हैमलेट प्ले आती है वो कब आती है, 1602 में, और विटनबर्ग यूनिवर्सिटी का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1845 में, ठीक है। तो देखो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1845 में होता है, लेकिन विलियम शेक्सपियर उसको 1602 में दिखाते हैं, तो अगेन ये भी एनाक्रोनिज्म होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कायाज्मस। आसानी से आपको याद होगा कायाज्मस, ध्यान रखना एक ऐसा रिटोरिकल डिवाइस होता है जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड्स या क्लासेस को एक दूसरे से रिवर्स करके यानी अपोजिट करके उसको बैलेंस किया जाता है। पोएट इसका यूज इसलिए करता है ताकि वो अपने वर्क में आर्टिस्टिक ब्यूटी को क्रिएट कर सके। एग्जाम्पल से समझिए, वी लिव टू डाई बट डाई टू लिव। लीव टू डाई इसी का देखो
रिवर्स हो जा रहा है, डाई टू लिव, यही होता है कायास्मस। आपको हेमलेट में एक लाइन याद आ रहा होगा, टू बी आर नॉट टू बी, ये भी क्या है, ये भी कायास्मस है। ऐसे ही मैकबेथ में एक लाइन है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये भी क्या है, ये भी कायास्मस है। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, देखो गोइंग गेट्स टफ इसी का रिवर्स हो जा रहा है, टफ गेट गोइंग। आगे देखिए, यू फॉरगेट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर एंड यू रिमेंबर व्हाट यू वांट टू फॉरगेट। देखो जो पहला वाला क्लास है ये बिल्कुल रिवर्स हो जा रहा है दूसरे वाले क्लास में। नेक्स्ट एग्जांपल है, रॉबर्ट ग्रेव्स की एक वर्क होती है इन ब्रोकन इमेज, इसमें एक लाइन आती है, इनफैक्ट इसकी लास्ट लाइन होती है, ही इन अ न्यू कंफ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। फिर देखो, आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कंफ्यूजन, देखो कंफ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कंफ्यूजन, देखो जो पहले क्लॉज में आया है लाइन वो दूसरे में रिवर्स हो जा रहा है, और ये सब किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ कायास्मस में होता है, तो आसानी से आप इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मैलप्रोपिज्म। ध्यान रखना, मैलप्रोपिज्म फ्रेंच वर्ड मैल प्रपोज से आया है, जिसका मतलब होता है इन अप्रोप्रिएट, यानी मैलप्रोपिज्म में क्या होगा, इसमें इनकरेक्ट वर्ड का यूज किया जाता है, और ये पोएट क्यों करता है, ताकि वो ह्यूमर को क्रिएट कर सके। मैलप्रोपिज्म वर्ड कहाँ से आया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न पूछा गया है। देखो मैलप्रोपिज्म वर्ड जो है वो सेरिडॉन की कॉमेडी होती है द राइवल्स, उसमें कैरेक्टर होती है मिसेस मैलप्रॉप, तो उनकी आदत होती है शब्दों को इनकरेक्ट प्रोनाउंस करना, और ये ऐसा वो इसलिए करती थी ताकि वो ह्यूमर को क्रिएट कर सके। एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। पहला एग्जाम्पल है, इज वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस, देखो यहाँ पे पोएट एक्चुअली पिनेकल कहना चाहता है, पिनेकल मतलब चोटी पर, वो पोलाइटनेस की चोटी पर है, तो पिनेकल कहने की जगह पे वो पाइनएप्पल कह रहा है, और यही होता है मैलप्रोपिज्म। मिलते जुलते शब्द के लिए पोएट जो है या राइटर जो है जानबूझकर इनकरेक्ट वर्ड का यूज करता है ताकि ह्यूमर को वो क्रिएट कर सके। ये यूजीसी नेट 2015 में पूछा जा चुका है। ऐसे ही देखो राइटर, कंटीजियस कंट्रीज, कंटीजियस का मतलब होता है पास पास वाले जो देश हैं उसके लिए यूज होता है कंटीजियस कंट्रीज, तो उसके लिए पोएट यूज करेगा कंटीजियस कंट्रीज। कंटीजियस का मतलब होता है जो छुआ छूत से फैलने वाली बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं कंटीजियस, और ये एनवीएस पीजीटी 2014 में पूछा भी गया है। और ऐसे ही देखो एप्रीहेंड के लिए पोएट यूज करेगा रेप्रीहेंड, और वर्नाकुलर के लिए यूज करेगा ओरैकुलर, और अरेंजमेंट के लिए यूज करेगा डिरेंजमेंट, और इपिथेट के लिए यूज करेगा इपिटेफ। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी मैलप्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने एलिट्रेशन, एजोनेंस, इनयुएंडो, प्रोलैप्सिस, एनाक्रोनिज्म, कायास्मस और मैलप्रोपिज्म को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो इन सारी फिगर ऑफ स्पीच के लाइंस आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपको जरूर एडवांटेज मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।